हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। और ये क्लास 9 का क्वेश्चंस है। और ये चैप्टर्स का नाम है पॉलिनोमियल्स, और चैप्टर नंबर 2 है ना सी द एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड क्वेश्चंस नंबर 11। फैक्टराइज 27 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz। ठीक है, इसको हमको क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइज करने के लिए। तो आप इस इक्वेशंस को देखेंगे तो आई थिंक ये इक्वेशंस इस फॉर्म पे है, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA के फॉर्म में है। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। तो अभी देखिए, यहाँ पे 27 AQ है, तो हम क्या लिखते हैं इस इक्वेशंस में, सॉरी क्वेश्चंस में, तो 3x³ लिख सकते हैं, प्लस यहाँ y³ है प्लस z³ है। ठीक है, माइनस अभी 3x into y into z इसी के फॉर्म में है। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू कितना है, 3x है, b इक्वल टू कितना है, y है, और c इक्वल टू कितना है, z है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस फॉर्म पे है ये aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं a प्लस b प्लस c के इस पे फॉर्म में। तो a पे जगह कितना है, 3x प्लस y प्लस z इंटू कितना है, a स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, 3x² का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह पर कितना लेंगे, वाई का होल स्क्वायर प्लस सी का कितना है, जेड स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ए के जगह पर कितना लेंगे, 3x into b के जगह वाई माइनस वाई के बी के जगह में वाई इंटू सी के जगह में जेड माइनस सी के जगह में जेड लिखेंगे, और ए के जगह में दैट इज 3x। इस तरह से लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दैट इज इक्वल कितना हो गया, 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया ये, और ये कितना हो गया, 3 3 9 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है, माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। तो क्या हुआ, मैंने जब फैक्टराइज करके जो इसको मैं जब फैक्टराइज किया, आपने देखा कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फॉर्म पे है। तो मैं क्या किया, इसके फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया, जिसमें ए का वैल्यू 3x है, बी का वैल्यू वाई है, और सी का वैल्यू जेड है। तो इस फॉर्मूला में मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला ना, दिस इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।